हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग मैथ्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आज का हमारा टॉपिक है स्फीयर। जैसे कि एक स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर होता है 4πr². ठीक है। अगर इस स्फीयर का हमने हाफ पोर्शन लिया ऐसे, ठीक है, सो ये बन गया एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब इसका हाफ। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर विल बी हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज 2πr². हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ हेमिस्फीयर में ही अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो सो उसका फॉर्मूला होता है 3πr², ठीक है। सो ये तीन फॉर्मूले के बेस पे हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज 13.4 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद रेडियस। ये आपको रेडियस दिया गया है, आपको इसका निकालना है सरफेस एरिया। सो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4πr². इस फॉर्मूले में हम r की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 10.5 का स्क्वेयर। सो सॉल्व करके आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम नहीं ले रहे हैं। सिमिलरली बाकी पार्ट्स भी वैसे ही। सेकेंड में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ द डायमीटर। अब सेम क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था, बट यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, डायमीटर। डायमीटर से हम क्या निकालेंगे, रेडियस। 14/2 इज इक्वल टू 7 cm। अगेन अप्लाई द फॉर्मूला 4πr². वी पुट वैल्यू ऑफ r इज 7, ओके, एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सिमिलरली पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 10 cm। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। सो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दिस वन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3πr². यहाँ हमें आर की वैल्यू दी है कितनी, 10 cm। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला 3πr² एंड पुट r इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये भी इजी था। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 cm टू 14 cm एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, ठीक है। जब किसी बैलून में हवा भरी जाती है तो उसका रेडियस जो है वो 7 cm से इंक्रीज होके कितना हो गया, 14 cm। हमें निकालना है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। जब रेडियस 7 cm था तो कितना सरफेस एरिया आया, और जब रेडियस 14 cm हो गया तो कितना सरफेस एरिया आया, उनकी क्या निकालनी है हमें, सरफेस एरियाज की रेशियो। सो लेट्स डू इट। सो पहले हमारे पास बैलून था, वो इतना था, ठीक है। जैसे ही हमने इस बैलून में हवा भरी, इस स्फेरिकल बैलून में, तो ये 14 cm का हो गया, ठीक है। अब इसका निकालना है सरफेस एरिया। सो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इज 4πr². सो बिफोर पंपिंग रेडियस इज 7 cm एंड सरफेस एरिया ऑफ द बैलून विल बी इक्वल टू 4πr². पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट कर देंगे, आर की वैल्यू 7 × 7, आर का स्क्वायर है। सो वी विल पुट, नाउ मल्टीप्लाई। इसको करने का एक और इजी तरीका है। एक तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यूज़ निकालिए। सिमिलरली जब रेडियस आप 14 cm पुट करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ निकालिए और फिर इनकी रेशियो निकालिए, डिवाइड करिए। और दूसरा तरीका है, हम लिख लेंगे सरफेस एरिया बिफोर पंपिंग क्या हो जाएगा, 4πr², वेयर r इज़ द रेडियस बिफोर पंपिंग, दैट इज 7 cm, एंड आफ्टर पंपिंग
एयर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr², इसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, दैट इज़ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या निकालनी है, रेशियो, हमसे रेशियो ही पूछी गई है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया बिफोर पंपिंग एंड रेशियो आफ्टर पंपिंग, सो दैट विल बी इक्वल टू 4πr² अपॉन 4πR². इस तरीके में क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन कोई नहीं होगी, ईजिली आप सिर्फ लास्ट में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, आर की वैल्यू आप पुट कर देंगे और इधर आप कैपिटल आर की वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करिए, 7 2s are 14, सिमिलरली 7 2s are 14, दिस इज़ 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4, सो रेशियो इज़ 1:4, ईजी वे टू सॉल्व इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फीयर स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹1600/100cm². हेमिस्फेरिकल बाउल है कुछ इस तरह से, इसका इनर डायमीटर, ये वाला डायमीटर, ये कितना दिया है आपको, 10.5 सेंटीमीटर। अब जैसे कि हमारे पास एक कटोरी होती है, ठीक है, आपको इसके अंदर अंदर प्लेटिंग करनी है, ठीक है, तो अंदर प्लेटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एंड वी नो दैट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर वो होता है 2πr², तो डायमीटर से हम क्या निकालेंगे, रेडियस, हम यहाँ पे लिख लेंगे इनर डायमीटर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी इक्वल टू 10.5 / 2 cm, ठीक है। अब इसका निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कॉस्ट हमें उसी की निकालनी है, सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 2πr², स्फीयर का होता है 4πr², हेमिस्फीयर है तो इसका हो जाएगा आधा, सो पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे हम, ठीक है, जो आपसे सॉल्व हो सकता है वो आप कैंसिल आउट कर लेंगे, जैसे यहाँ 7 से 7 1 7, ये आ गया, ठीक है, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, जो भी टर्म्स बच गई उनको कर लेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई, 11 × 1.5 × 10.5, सो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया आपके पास, 173.25 सेंटीमीटर². अब निकालेंगे हम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 cm² आपको गिवन है ₹16, सो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 cm², दैट विल बी इक्वल टू 16/100, सो जितना हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला उसको टिन प्लेटिंग करने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 173.25, सो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जितना हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था उससे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। अब इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड डिवाइड बाई 100, ठीक है, टू प्लेसेस और कम हो जाएंगे, सो आपके पास सॉल्व करेंगे जब आपके पास सॉल्व करके आएगा 27.72 रुपीस, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनर सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।